हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। सो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा आज की इस वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। और जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में पूरा का पूरा ये डिस्कस करें कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर डिफरेंट एरियाज में क्या कंडीशन थी हमारी। सो आज का हमारा टॉपिक है जहाँ पर हम कॉलोनियल टाइम पीरियड के रिगार्डिंग जो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन की थी उसके बारे में कुछ समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है। ओके, तो अगर बहुत सिंपली अगर हम इसको समझें, सो डेमोग्राफिक का मतलब होता है स्टूडेंट, डेमोग्राफिक रेफर्स टू स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जहां पर हम अपनी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं उस फिनोमिना को बोलते हैं हम डेमोग्राफिक। ओके, मतलब जो भी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन की स्टडी के भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। मतलब जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो बहुत सारे विगन से बेसिस ऑफ एरियाज रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमें पॉपुलेशन की स्टडी करनी है किस विगन से टर्म्स के अंदर, क्या हमें नंबर्स की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर हमें स्टडी करनी है पॉपुलेशन की, या और डिफरेंट फैक्टर्स है। तो नंबर तो है ही ऑब्वियसली, बट इसके अलावा अगर हम बात करें पॉपुलेशन की स्टडी जो है वो किसके एरियाज में, कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन में एक्चुअल में लिटरेसी के रिगार्डिंग हम जो भी कैसे डेटा है वो जनरली ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक्चुअल में जो उनका वी कैन से पॉवर्टी रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें हम स्टडी कर रहे हैं दैट कितने नंबर ऑफ पर्सन या कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के बिलो है, अबव है, एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्चुअल में जो भी उनकी हेल्थ स्टेटस है, हेल्थ कंडीशन के बारे में स्टडी करना। ओके, हेल्थ कंडीशन है, इनकम पोटेंशियल के बारे में। तो एक्चुअल में जब हम डेमोग्राफिक की बात करते हैं तो इसमें हम पॉपुलेशन की स्टडी का मतलब है कि जब हम अपनी कंट्री में रिसाइड करने वाले लोगों के रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं, उनके डिफरेंट वी कैन से जो पहलू हैं, जो भी आस्पेक्ट हैं उन लोगों से जुड़े, उनके बारे में भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दैट इज़ नोन एज डेमोग्राफिक थ्योरी या डेमोग्राफिक स्टडी बोला जाता है। तो अगर हम बात करें जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे कंट्री के अंदर रूल कर रही थी, जब ब्रिटिशर्स का हमारे कंट्री में रूल था, तो उस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में क्या हमारे जो पॉपुलेशन है उसकी क्या कंडीशन थी इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ वी कैन से देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। सो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम यही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इससे भी पहले जैसे हमने मीनिंग समझा डेमोग्राफिक का, अगर हम बात करें किसी भी हम कंट्री की बात करें, एक डेमोग्राफिक अपनी एक थ्योरी है, डेमोग्राफिक थ्योरी होती है जो एक मॉडल थ्योरी होती है जिसके अकॉर्डिंग जो डेमोग्राफिक है मतलब जो पॉपुलेशन की स्टडी है उसके सेवरल वीकेंसी स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले उसको हम समझ लेंगे। अगर हम बात करें इंडिया की मतलब डेवलपिंग इकोनॉमीज की, तो वहाँ पर 4 स्टेज की जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। हालांकि 5 स्टेजेस भी होती हैं, बट अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग हम 4 स्टेजेस की बात करेंगे। तो ये मेनली डिस्कस करने से पहले कि क्या कंडीशन थी कॉलोनियल टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में, हमारी डेमोग्राफिक या पॉपुलेशन की क्या डाइवर्स जो रिलेटेड आस्पेक्ट या एरियाज उसमें किस तरीके से वीकेंड से जो डेटा एंड फैक्ट्स थे वो कैसे थे, उसको डिस्कस करने से पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो जैसे मैं बता रही हूँ डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन मॉडल थ्योरी है DTM की अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो 4 स्टेजेस होती हैं। ओके, कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3 and 4। ओके, 1, 2, 3 and 4। तो अब ये जो 4 स्टेजेस हैं, स्टेज का मतलब कि एक्चुअल में एक पूरा, फॉर एन एग्जाम्पल आपने कोई मार्ग पे जाना है तो उसके लिए क्या है, एक रास्ता है और वो स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो वो 4 स्टेजेस हैं पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम वन बाई वन हर एक स्टेज के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो मॉडल थ्योरी है उसमें जो 4 स्टेजेस हैं उनको हम कैसे कैसे, मतलब फर्स्ट सेकेंड के अलावा इनको और इंटरचेंजेबल नेम दिए जाते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है इसको बोलते हैं प्री ट्रांजिशन स्टेज। क्या बोलते हैं, प्री ट्रांजिशन। अब जरा समझिएगा ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब किसी चीज़ का बदलना, सकता ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह, तो किसी चीज़ का चेंज होना। ओके, किसी भी वीकेंड से स्टेटस का वेरी करना। तो प्री ट्रांजिशन मतलब इकोनॉमी में हमारी कंट्री में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कोई भी चेंज होने से पहले की जो स्टेज होती है उसको हम प्री ट्रांजिशन बोलते हैं। सेकेंड स्टेज को बोला जाता है अर्ली ट्रांजिशन, मतलब जहाँ से चेंजेस अक्कर होना शुरू होते हैं हमारे मेन वी कैन से जो आस्पेक्ट है डेमोग्राफिक का, दैट इज़ देयर डेथ एंड बर्थ रेट।
उसमें जो भी चेंजेस आने शुरू होते हैं उस स्टेज को हम बोलते हैं अर्ली ट्रांजिशन। एंड इसके बाद जो आती है हमारी थर्ड स्टेज, दैट इज नोन एज लेट ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन के बाद की जो स्टेज है। एंड द लास्ट वन इज पोस्ट ट्रांजिशन, ओके, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बाद, जो भी चेंजेस हो सकते हैं उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये फोर स्टेजेस हैं। और अगर हम बात करें कि एट द टाइम हमारी इकोनॉमी किस स्टेज में थी और रिसेंटली किस स्टेज में, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये स्टेजेस में होता क्या है, क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल थ्योरी है ये मेन किस एरियाज पर जनरली इसको स्टेजेस में डिवाइड करा गया। सो इसका मेन एरिया जो जनरली है वो है बर्थ रेट एंड डेथ रेट का, ओके। हालांकि जब डेमोग्राफिक की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन में और भी सेवरल हमें एरियाज को इंक्लूड करना पड़ता है, बट जब हम मॉडल थ्योरी की बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, तो उसमें जनरली क्या है, जो भी हमारा मेन एरिया ऑफ कंसर्न रहता है वो डेथ रेट एंड बर्थ रेट रहता है पॉपुलेशन का। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में DTM में, मतलब जो हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल थ्योरी है, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बेसिस पर, ओके, बर्थ एंड डेथ रेट के बेसिस पर। तो अगर हम इन्हीं स्टेजेस को बेसिस पे समझें, तो जो हमारी प्री ट्रांजिशन, मतलब जो फर्स्ट स्टेज है, उसमें क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि स्टेज के अंदर देयर इज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मतलब बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे। मतलब इस पहली स्टेज के अंदर क्या था हमारी इकोनॉमी में, कि एक्चुअल में जो बर्थ की जो वी कैन से कैपेसिटी थी या बर्थ रेट जो था वो हाई था, एज वेल एज जो डेथ रेट था वो भी ज़्यादा था। मतलब पैदा होने वाले लोगों की भी जो संख्या थी वो ज़्यादा थी और मरने वाले लोगों की भी संख्या ज़्यादा थी, ओके। और इसके अपने वी कैन से बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसके पीछे। अगर हम हाई बर्थ रेट की बात करें, सो लॉट ऑफ अनअवेयरनेस और इलिटरेसीज का रीज़न था। डेथ रेट की बात करें तो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज एंड वी कैन से खुद जो पर्सन थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे अपने हेल्थ को लेकर, या वी कैन से अपना ट्रीटमेंट या एक्चुअल में हेल्थ चेकअप प्रेफर नहीं करते थे। एक तो उनके पास सोर्स नहीं था, मतलब सोर्स इन द सेंस के पैसे नहीं, तो दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी वीक थी। इसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट, जब सेकेंड स्टेज मतलब ट्रांजिशन, यहाँ कोई चेंज नहीं है, बोथ द आस्पेक्ट दैट वी जनरली स्टडी मेनली ट्रांसमिशन मॉडल थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक। तो हम बर्थ रेट एंड डेथ रेट की बात करते हैं, तो यहाँ दोनों वी कैन से रेट जो थे वो हाई थे, तो कोई चेंज नहीं था। फिर क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में कोई चेंज आना शुरू होता है ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन कैसे आएगा, यहाँ पर बर्थ रेट तो रहती है हाई, हाई बर्थ रेट, बट जो डेथ रेट है वो ग्रेजुअली क्या होता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ओके, डेथ रेट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। सो जो हमारी सेकेंड स्टेज होती है, यहाँ पर क्या होता है, बर्थ रेट हाई होगा और डेथ रेट कम होगी, मतलब एज कंपैरिजन टू बर्थ रेट डेथ रेट हमारी कम होगी। फॉर एन एग्जांपल, दोनों रेट हम पर 1000 में निकालते हैं, तो मान लीजिए कि इकोनॉमी के अंदर बर्थ रेट पर 1000 क्या है, हम सपोज कर सकते हैं कि पर 1000 जो बर्थ हो रही है वो 520 हो रही है, और डेथ रेट जो हो रही है पर 1000 वो मान लीजिए 325 हो रही है। सो देयर इज अ वी कैन से डिफरेंस इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। तो सेकेंड स्टेज में यही होता है कि जब बर्थ रेट ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू डेथ रेट, मतलब डेथ रेट पहले के कंपैरिजन में कम होना शुरू हो जाए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम इसको बर्थ रेट से ही कंपेयर करेंगे, बट प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पर कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, डेथ रेट हमारी डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन वी कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज और सम हाउ अवेयरनेस अमंग द पॉपुलेशन, अमंग द पर्सन रिगार्डिंग देयर हेल्थ, इसकी वजह से कोई चेंज आता है, ओके। अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो यहाँ थोड़ा ऑपोजिट होता है इस कंपैरिजन टू सेकेंड स्टेज, मतलब यहाँ पर जो हमारी बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। देखिए सेकेंड स्टेज में ऐसा नहीं होगा कि थर्ड में जाकर डेथ रेट विल स्टार्ट वैकेंसी इंक्रीजिंग, नो, बट क्या होगा, थर्ड में क्या होना शुरू हो जाता है, बर्थ रेट भी कम होना शुरू हो जाती है, बिकॉज अवेयरनेस ना सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आती है कि हमें हेल्थ कॉन्शियस होना है, हमें अपने आप को फिट रखना है, बल्कि ये भी कि एक्चुअल में जब बिगर फैमिली साइज होगा तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ेंगी, ओके। और वैसे भी जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा एंड सो ऑन, तो एक्चुअल में क्या है, लोग थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, थोड़े पढ़ लिख गए हैं, तो इस वजह से। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ
हमारा बर्थ रेट जो है हमारा ये स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, मतलब ये क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाता है थर्ड स्टेज के अंदर। इसमें होता है लेट ट्रांजिशन, जो फर्स्ट ही चेंज आया था ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजिशन आएगा, सब्सिक्वेंट ट्रांजिशन आएगा, उसमें बर्थ रेट भी कम होना शुरू हो जाती है। और फाइनल मतलब जो हमारी फोर्थ स्टेज होती है, यहाँ पर दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं ओके। बहुत मतलब लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, डेथ रेट भी कम होगा और हमारा बर्थ रेट भी कम होगा ओके। किसके कंपैरिजन में, जो भी कैसे प्रीवियस डेटास जो हैं हमारे पास उनके कंपैरिजन में। अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, हालांकि हम कॉलोनियल टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब हम कॉलोनियल टाइम पीरियड की भी बात करें स्टूडेंट, तो उसमें जो हमारी कंट्री थी वो कॉलोनियल टाइम पीरियड के दौरान तक, मतलब उनके रूल तक, वो इन दो स्टेजेस में, वी कैन से दो स्टेजेस में काम कर रही थी। मतलब यहाँ दो स्टेज की अगर हम बात करें, तो जो सेकेंड स्टेज है ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ से एक ट्रांजिशन, एक बदलाव शुरू हो रहा है। और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, तो हमारी कंट्री के अंदर ये जो वी कैन से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल थ्योरी है, जहाँ पर हम बर्थ रेट और जो डेथ रेट है उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो जो चेंज आना शुरू हुआ हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो आया 1921 के अंदर ओके। मतलब जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट पहले बहुत हाई था, उसमें फिर डेथ रेट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हुआ, और ये ऑब्जर्व करा गया 1921 के अंदर। कब ऑब्जर्व करा गया, 1921 के अंदर। यहाँ से फिर एक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, जहाँ पर बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों बहुत ज़्यादा नहीं थे, यहाँ डेथ रेट डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। इसीलिए इस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट है उसमें चेंजेस आना शुरू हो गए, डिवीजन आना शुरू हो गया, ट्रांजिशन शुरू हो गया था। इसलिए स्टेज को हम जनरली क्या है, अर्ली ट्रांजिशन स्टेज का नाम भी देते हैं। लेकिन 1921 से पहले हमारी जो इकॉनमी थी वो फर्स्ट स्टेज में काम कर रही थी ओके। तो अगर हम कॉलोनियल टाइम पीरियड की बात करें, तो कॉलोनियल टाइम पीरियड पर हम ये कह सकते हैं कि एट दैट टाइम हमारे कंट्री के अंदर जो डेथ रेट एंड बर्थ रेट बहुत ज़्यादातर फर्स्ट स्टेज के बेसिस पर, और सेकेंड स्टेज के बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि बर्थ रेट वॉज स्टिल हाई, बट जो डेथ रेट था वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो गया था ओके। और एक्चुअल में हमें कैसे पता चलता है, जब हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए सेंसस कंडक्ट होता है ठीक है। सेंसस आप क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। सेंसस क्या होता है कि जब हम जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, किसी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर हम हर एक इंडिविजुअल वीकेंड से आइटम को या हर एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं। बिल्कुल एक्सटेंसिवली स्टडी होती है सेंसस के अंदर ओके। जब होल पॉपुलेशन की एक्सटेंसिव क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये सारे जो वीकेंड से फैक्टर हैं, ये सारे जो वीकेंड से रिलेटेड आस्पेक्ट हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट फॉर्म में किससे रिवील होते हैं, सेंसस की स्टडी के बेसिस पर। तो अगर हम बात करें कि कैसे पता चला कि 1921 के बाद ही एक्चुअल में क्या है, एक चेंजेस आना शुरू हुए बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बीच में, तो ये एक्चुअल में रिवील होता है सेंसस के बेसिस पर ओके। तो एक्चुअल में अगर हम सेंसस की बात करें, सेंसस जिसमें हम जनगणना जिसको बोलते हैं, जब पॉपुलेशन की स्टडी होती है, तो एक्चुअल में क्या है, सेंसस जो हमारी कंट्री के अंदर सबसे पहले कंडक्ट हुआ था वो 1881 में हुआ था। और सेंसस के बेसिस पर हमें पता चला कि हम 1921 से पहले कैसे स्टेज में थे, फर्स्ट स्टेज जहां अनइवननेस थी, मतलब अनइवननेस एक्चुअल में क्या है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट ज्यादा थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि अनइवननेस आई, मतलब बर्थ रेट हमारा ज्यादा था बट डेथ रेट हमारी क्या हो गई, कम हो गई 1921 में। दैट्स व्हाई इसको नाम दिया गया इस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो सेंसस जो है ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, व्हिच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इन व्हिच ईयर द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड। तो अगर मैं सेंसस की बात करूं, तो सेंसस के रिगार्डिंग याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881। सो पहला जो ऑफिशियल सेंसस था वो कब कंडक्ट हुआ था, 1881 में ओके। और जैसे कि आप जानते हो, हर 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट होता है ओके। तो आफ्टर एवरी 10 इयर्स ये सेंसस कंडक्ट करा जाता है, बिकॉज उसमें पूरी पॉपुलेशन की होल स्टडी करनी पड़ती है, दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ओके। सो यहाँ पर डेमोग्राफिक, हम जब पूरा का पूरा फिनोमिना के बारे में बात करने से पहले, ज़रूरी था कि हम डेमोग्राफिक के बारे में पूरी की पूरी जो वीकेंड से डिटेलिंग है वो समझ लें, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। लेकिन आप सोचे होगे, मैम अभी आपने सेकेंड स्टेज तक ही बताया है, अब हमारी कंट्री को
कौन से स्टेज में है। तो अगर हम वी कैन से डेटास की बात करें, सोर्सेज की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग 2013 तक, मतलब 2013 तक जो हमारी कंट्री थी वो थर्ड स्टेज में थी, जहाँ पर एक्चुअल में क्या है, अगर हम सेकेंड स्टेज में जो हमारा डेथ रेट कम हुआ था वो स्टिल वहाँ पर भी वैसा था, लेकिन इसके अलावा क्या हुआ, जो हमारा बर्थ रेट था वो भी रिड्यूस होना शुरू हो गया। ओके, तो 2013 तक जो हमारा कंट्री था वो थर्ड स्टेज में था। अब फोर्थ स्टेज में कब आएगा, उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, इकोनॉमिक्स की माने तो लगभग 35 से 40 साल का एक टाइम पीरियड लग जाएगा हमें फोर्थ स्टेज में पहुंचने तक। ओके, तो अभी अगर हम बात करें, हमारी कंट्री थर्ड स्टेज में है, मतलब लेट ट्रांजिशन वाले स्टेज के अंदर है। ओके, आई होप अभी ये आपको क्लियर हुआ हो। अब एक्चुअल में हम बात करेंगे ओवरऑल क्या कंडीशन थी हमारे कंट्री में डेमोग्राफिक के रिगार्डिंग, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके रूल के ड्यूरेशन में। ओके, चलिए, सो नाउ वी डिस्कस द ओवरऑल डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, बिकॉज अभी हमने सिर्फ जो ट्रांजिशन थ्योरी थी उसमें मेन जो चीज़ें डिस्कस करी वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ डेथ रेट, बर्थ रेट करी, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो उसमें सिर्फ डेथ रेट एंड बर्थ रेट ही नहीं आता, बल्कि और रिलेटेड आस्पेक्ट भी आते हैं, जैसे उनका हेल्थ स्टेटस हो गया, उनका पॉवर्टी के बारे में बात हो गई, इनकम के बारे में बात हो गई। तो उस ओवरऑल फॉर्म में अगर हम पढ़ें तो क्या कंडीशन थी, सो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, चलिए देख लेते हैं। सो अगर हम बात करें, जैसे बिकॉज वी गॉट द इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 वी नो वेरी वेल, तो एक्चुअल में क्या है, उससे पहले 1921, क्योंकि 2013 में जो प्री जो हमारी लेट ट्रांजिशन है उस स्टेज में हमारी कंट्री एंटर हुई है, लेकिन उससे पहले सिर्फ दो स्टेजेस थी, और 1921 से भी पहले हमारी फर्स्ट स्टेज थी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सो जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट था वो ज़्यादा था। ओके, अगर हम फर्स्ट स्टेज के बेसिस पे बात कर रहे हैं, सो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, हम ये किसके बेसिस पे कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई था। ओके, एंड देन क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट वॉज सेम, बट एंड वी कैन से डेथ रेट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, जो हमारा डेथ रेट था वो कम होना शुरू हो गया था। याद रखिएगा ईयर इज 1921। ओके, इसके अलावा और क्या कंडीशन से रिफ्लेक्ट हो रहा था। अब एक्चुअल में क्या है, अगर हम देखें तो एक्चुअल में जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट पहले बहुत ज़्यादा हाई था, या वी कैन से फिर थोड़ा कम होना शुरू हुआ। तो अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो ऐसा क्यों था, क्यों डेथ रेट ज़्यादा था, बर्थ रेट को अगर हम थोड़ा सा वी कैन से साइड अपार्ट भी करते तो डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा क्यों था, क्योंकि एक्चुअल में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ या हेल्थ एमिनिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर स्टेट में थी। ओके, सो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ जो एक्चुअल में पॉपुलेशन थी उस टाइम पीरियड पर, उनके पास बहुत अच्छी एडवांस हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। ओके, और आज के टाइम में भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी, बट एट द टाइम या ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या चीज़ें थी, तो जब हम बात करें कि एक तो हेल्थ फैसिलिटीज़ का पुअर होना, दूसरा ये भी रीज़न था कि एक्चुअल में लोगों के पास पैसा ही नहीं था, बिकॉज अर्लियर वीडियो के अंदर हम कवर कर चुके हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन थी, किस तरीके से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर वर्क कर रहा था, उसकी क्या कंडीशन थी, लोगों के पास सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं थी, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ हो गया था। जस्ट अर्लियर वीडियो, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये टॉपिक डिस्कस करा था। तो एक्चुअल में लोग एक्चुअल में एफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, अगर उनके पास कुछ हेल्थ वी कैन से जो सपोर्ट उनको मिल रही थी, बट दे आर नॉट एबल टू पे फॉर दैट, वो उसको एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और एक्चुअल में क्या है, उसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो गया था जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन करा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत रिड्यूस हो चुका था, वहाँ पर भी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट था, तो उसकी वजह से जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं और जब हम डेमोग्राफिक स्टडी करते हैं तो उससे ये भी पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन कितने परसेंटेज एक्चुअल में क्या है, APL है, कितने BPL है, तो उससे ये रिवील हुआ कि जो पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा थी हमारी इकोनॉमी के अंदर, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या वी कैन से जो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग फैक्टर्स थे, तो इसमें एक और चीज़ आती है स्टूडेंट के, जब हम पूरे हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, इससे ओवरऑल डेथ रेट तो बढ़ता है लेकिन उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है फिर। तो अगर हम उसी फर्दर क्लासिफिकेशन में से एक आस्पेक्ट को कंसिडर करें, दैट इज़ IMR, तो IMR उस टाइम पर क्या था, काफ़ी ज़्यादा हाई था। अब IMR क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट स्टैंड्स फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब क्या है, इस फिनोमिना के अंदर हम ये कैलकुलेट करते हैं
कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं, कितने नंबर ऑफ इन्फेंट्स एक साल की एज को अचीव करने से पहले जिनकी डेथ हो रही है पर 1000 में कैलकुलेट किया जाता है, ये IMR होता है। ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मतलब जो वी कैन से बर्थ से लेकर मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी से लेकर एक साल के एज के ड्यूरेशन में जितने भी चिल्ड्रन जो मर रहे हैं उसके बेसिस पर हम IMR कैलकुलेट करते हैं जो पर 1000 निकलता है। तो अगर हम कॉलोनियल टाइम पीरियड के रिगार्डिंग या ड्यूरेशन की बात करें तो जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था, और ये बहुत लॉजिकल है क्योंकि हम जानते हैं कि पॉवर्टी लोग पुअर बहुत ज़्यादा थे, इसके अलावा जो हेल्थ फैसिलिटीज थे बहुत अच्छी नहीं थी। ओके जो मतलब वुमेन से जो एक्सपेक्ट करती थी तो डिलीवरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ दैट दे वर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर डाइट, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, चेकअप नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से एक्चुअल में जो है IMR रेट काफ़ी ज़्यादा था। अगर हम बात करें पर 1000 की बात हो रही है तो लगभग ये कह सकते हैं उस टाइम पीरियड पर कि 1000 में से जो 415 और से 20 तक लेकर जो बच्चे थे वो मर रहे थे। ओके लेकिन अगर हम आज के बेसिस पर बात करें तो इसमें काफ़ी रिडक्शन हुआ है, बट हम कॉलोनियल टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ओके इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ना सिर्फ IMR ज़्यादा था, जो MMR था दैट इज़ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग वी कैन से गिविंग बर्थ टू द बेबी जो भी वुमेन्स हैं उनकी डेथ जो हो जाती है उससे हम निकालते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ओके तो ये भी काफ़ी ज़्यादा था जैसे मैंने बताया बिकॉज दे वर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर डाइट विच इज़ रिक्वायर्ड एट दैट टाइम पीरियड, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड वो नहीं मिलती थी प्रॉपर वी कैन से उनके पास कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं थी, तो उसकी वजह से जो MMR था वो काफ़ी ज़्यादा था। ओके तो एक्चुअल में क्या है, जब तक ये चीज़ें इंप्रूव नहीं हुई तो हमारी कंट्री फर्स्ट स्टेज में ही काम कर रही थी। तो ये कुछ वी कैन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअल में हमें कॉलोनियल टाइम पीरियड के रूल के ड्यूरेशन में जो हमारी ओवरऑल डेमोग्राफिक स्टडी है उसमें देखने के लिए मिले, डेमोग्राफिक कंडीशन है उसमें देखने के लिए मिले। हालांकि इसमें एक और मेन पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट कि एक्चुअल में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी हमारी इकोनॉमी के अंदर। ओके इलिटरेसी क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो उसको डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट पहलू पर हम उसको मेजर करते हैं, तो उसमें एक्चुअल में जो लिटरेसी के बेसिस पर भी ये फाइंड आउट करा गया कि मोस्ट ऑफ द वी कैन से या मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज इलिटरेट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। ओके जो हमारी इलिटरेसी रेट था वो काफ़ी ज़्यादा था, हाई इलिटरेसी रेट, लोग पढ़े लिखे बहुत कम थे। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो जैसे आप जानते हुए पहले भी शायद मैंने बताया है तो ऑलमोस्ट ओवरऑल सिर्फ 16% लिटरेसी थी हमारी इकोनॉमी के अंदर। मतलब आप देखें अगर हम इसको अभी कैसे नंबर्स में कन्वर्ट कर लें तो 100 में से सिर्फ 16 लोग पढ़े लिखे थे, बाकी सब क्या थे, अनपढ़ थे, इलिटरेट थे। ओके तो हाई लिटरेसी रेट इन टर्म बिकॉज ओनली द लिटरेसी रेट वॉज 16%। लिटरेसी रेट क्या है, क्या था एट दैट टाइम, 16% था, 16% हमारा क्या था, इलिटरेसी रेट था। इसके मतलब रिमेनिंग जो भी हमारा परसेंटेज बच रहा ठीक है वो क्या था, हमारे जनरली इलिटरेट थे। अब इन 16 में से भी बहुत ज़्यादा एक और वेरिएशन देखने के लिए मिली। अब हम इसमें देखें कि जेंडर के बेसिस पर अगर हम इसको फर्दर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मेल एंड फीमेल के बेसिस पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फर्दर, जहाँ पर मेल 9% थे, रिमेनिंग 7% कौन थी, फीमेल थी। ओके तो एक्चुअली फिर यहाँ एक जेंडर बाइसेस देखने के लिए मिलती है कि जो फीमेल थी वो कम लिटरेट थी एज कंपेरिजन टू मेल, बिकॉज हमेशा से जो आउटलुक रहा है हमारी सोसाइटी का वो मेल डोमिनेटिंग रहा है, जहाँ मेल चाइल्ड को हर काम में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ओके और ये एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं, ये जो आउटलुक है, ये इल्म की कमी की वजह से ही होता है। ओके और लिटरेसी बहुत ज़्यादा थी और लिटरेसी रेट काफ़ी कम था। ओके सो ये पूरे के पूरे डिफरेंट आस्पेक्ट हैं जो डेमोग्राफिक वी कैन से ओवरऑल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमारे कॉलोनियल टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में थी। ओके आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर करें। आपको वीडियो जैसी भी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, पसंद नहीं है तो डिसलाइक करिए, और अगर अच्छी लगी तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।